हेलो, इस वीडियो में हम कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। सपोज़ करो हमारे पास ये शीटें हैं, ये शीट नंबर वन, ये शीट नंबर सेकंड, ये शीट नंबर थर्ड। ये तीन शीटें हैं, जैसे ये देखो फर्स्ट टर्म, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये फर्स्ट टर्म मार्क, ये यहाँ पर शीट नंबर वन पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे शीट नंबर सेकंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेकंड टर्म के यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे शीट नंबर थर्ड पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे प्री बोर्ड मार्क्स ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो इनका, जैसे ये देखो ये डेटा यहाँ पे दिए गए हैं, ये नेम है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं और इन सब्जेक्ट का ये टोटल यहाँ पे आया हुआ है। ये देखो 85, 55, 66 और इसका टोटल यहाँ पे ये आया हुआ है। तो कंसोलिडेट फंक्शन के जरिए हम ये सभी शीट का टोटल एक शीट में अलग से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रीवोर्ड के 85 यहाँ पे मार्क्स हैं इंग्लिश में। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में देखेंगे तो साहिल के यहाँ पे इंग्लिश में 66 है। सेकेंड टर्म में देखेंगे तो यहाँ भी 66 है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये साहिल के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और प्री बोर्ड के ये जो मार्क्स हैं यहाँ पे टोटल होके आ जाए और मैथ्स इनका भी टोटल होके आ जाए, ये साइंस है इनका भी टोटल और ये जो टोटल यहाँ पे दिए गए हैं ये यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्टों का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम अलग शीट में कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये अगली शीट है रिजल्ट वन, यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ये सेल फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, A1 सेल यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम ये कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप पे जाएंगे। डेटा टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट फंक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेटा टूल में यहाँ पे क्लिक किया। कंसोलिडेट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है फंक्शन, तो हम यहाँ पर अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम नंबर ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे तो ये सम फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रेफरेंस, तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि किस किस शीट का सम हो के आए, तो यहाँ पे हम उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया रेफरेंस, ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये जो अप एरो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस सेट करेंगे। रेफरेंस सेट करने के लिए हम फर्स्ट टर्म शीट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे इसको नेम दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद ये फर्स्ट टर्म शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हम ये सारी डेटा इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद ये शीट नेम यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म और ये रेंज आ जाएगी। ये देखो ये रेंज यहाँ पे सेट होके आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद ये डाउन एरो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे ऐड ये दिया गया है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो फर्स्ट टर्म शीट यहाँ पे आ गई। इसके बाद हमने सेकेंड शीट को यहाँ पे ऐड करना है, तो फिर हम यहाँ पे सेकंड टर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देखो सारी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट होने के बाद ये सेकंड टर्म यहाँ पे आ जाएगा और ये रेंज आ जाएगी। इसके बाद इसको भी हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ये देखो ऐड बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शीट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, ये शीट आ गई। इसके बाद हमने प्री बोर्ड शीट को भी ऐड करना है, तो ये देखो प्री बोर्ड ये थर्ड शीट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये भी ऑटो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है प्री बोर्ड और ये रेंज यहाँ पे आ गई है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ये देखो तीनों शीटों को ऐड करने के बाद यहाँ पे तीनों शीटें यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखो फर्स्ट टर्म शीट ये भी यहाँ पर आ गई, सेकेंड टर्म शीट ये भी यहाँ पर आ गई और ये प्री बोर्ड शीट यहाँ पर आ गई। अगर हम तीनों शीटों में कोई शीट डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस पे क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ से शीट डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये तीनों शीटों का सम अगली शीट में बन के आ जाए, तो ये करने के लिए इसके बाद यहाँ पे नीचे दिए गया है यूज़ लेबल इन, तो यहाँ पे
हमें टॉप रो ये भी चाहिए, तो यहाँ पे अगर नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक करेंगे। अगर ये लेफ्ट कॉलम नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक करेंगे। अगर हमें ये टॉप रो ये भी चाहिए तो हम इसको चेक करेंगे। अगर लेफ्ट कॉलम ये भी चाहिए हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद पहले हम इन दोनों को करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, इसको हम अगली शीट में समझेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। पहले हम इन दोनों को करेंगे, तो हमने दोनों को यहाँ पे चेक किया, इसके बाद ओके पे क्लिक कर, तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये डेटा कंसोलिडेट होके आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये मैथ है, ये साइंस है और इनका ये टोटल है। तो ये देखो यहाँ पे ये नेम है, ये नेम है साहिल के जो इंग्लिश में मार्क्स है, ये मार्क्स 217 ये टोटल आया हुआ है। लेकिन ये जो मार्क्स है ये हमारे फर्स्ट टर्म, ये देखो फर्स्ट टर्म में साहिल के इंग्लिश के मार्क्स है 66। इसके बाद सेकंड टर्म, यहाँ पे शीट पे क्लिक किया, यहाँ भी इंग्लिश में इसके मार्क्स हैं 66। इसके बाद प्री बोर्ड, यहाँ पे क्लिक किया और साहिल के प्री बोर्ड में इंग्लिश में मार्क्स हैं 85। इसके बाद यहाँ पे इनका जो टोटल है ये 217 ये टोटल आया हुआ है। इसी तरह से ये मैथ्स में साहिल के मार्क्स ये 225 ये जो मार्क्स है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के है। इसी तरह यहाँ पे साइंस के मार्क्स ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के मार्क्स है। और इन तीनों का जो टोटल है ये यहाँ पे 629 ये यहाँ पे टोटल आया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सी शीटें हैं और उनका हमने अलग शीट में सम करना है, तो इस तरह से हम इनका सम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने मेथड यूज़ किया, इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे टोटल चेंज नहीं होगा। ये देखो जैसे करके देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म शीट यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये साहिल इंग्लिश में मार्क्स 66 है, यहाँ पे हम 77 करते हैं, ये 77 एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद जब हम यहाँ पे रिजल्ट 1 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेट शीट आई हुई है यहाँ पे ये टोटल चेंज नहीं हुआ। अगर हम ये चाहते हैं कि हम कोई फर्स्ट टर्म में कोई चेंज करें तो आगे जो कंसोलिडेट शीट आई हुई है वहाँ भी चेंज हो जाए, सेकंड टर्म शीट में कोई चेंज करे तो यहाँ भी टोटल चेंज हो जाए और ये टोटल भी चेंज हो जाए, या प्री बोर्ड में कोई चेंज करे तो ये टोटल चेंज हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम अगली शीट पे इसको करेंगे। ये शीट वन, ये शीट वन है तो इसको रीनेम करेंगे। ये देखो ये रीनेम किया और यहाँ पर हमने लिखा ये रिजल्ट 2, ये हमने शीट नेम दिया। देने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम ये कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए डेटा टाइप पे जाएंगे, कंसोलिडेट फंक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस ये सेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और ये अप एरो यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारा डेटा इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेटा सेलेक्ट किया। ये देखो फर्स्ट टर्म ये रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद ये डाउन एरो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद ये जो है ये फर्स्ट शीट है, फर्स्ट टर्म शीट, तो ये यहाँ पे आ गई है। इसको यहाँ पे ऑल रेफरेंस यहाँ पे नीचे ऐड करवाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये देखो नीचे शीट ये आ जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड शीट पे जाएंगे, ये देखो सेकंड टर्म यहाँ पे शीट पे क्लिक किया, ये ऑटो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद इसको भी यहाँ पे ऐड करवाएंगे, ये देखो ये सेकंड टर्म आ गई है और ये रेंज आ गई है, इसको भी ऐड करवाएंगे, ये ऐड हो गई है। इसी प्रकार यहाँ पे हम शीट नंबर 3 पे जाएंगे प्री बोर्ड वाली, तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये भी ऑटो सेलेक्ट हो गई है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे ऐड करवाएंगे, ये देखो प्री बोर्ड शीट यहाँ पे आ गई है, इसको ऐड करवाएंगे, ये यहाँ पे ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद यूज़ लेवल इन पे हम इन तीनों को चेक करेंगे, ये देखो इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया लेफ्ट कॉलम। इसके बाद ये जो है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो ओके पे क्लिक करने के बाद ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको हम बढ़ाएंगे, ये देखो बढ़ाया, और ये बी कॉलम इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये देखो डिलीट किया। डिलीट करने के बाद इसको भी यहाँ पे सेट किया, ये साइंस इसको भी और ये मैथ्स इसको भी, ये डेटा यहाँ पर आ गया है। आने के बाद ये देखो ये जो है साहिल, साहिल का इंग्लिश में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के मार्क्स हैं यहाँ पे 228।
तो यहाँ पे ये टोटल है, इसके बाद मैथ्स का ये साहिल का टोटल है, ये साइंस का टोटल है साहिल का, और ये जो टोटल है यहाँ पे 640, ये यहाँ पे तीनों का टोटल आया हुआ है। इसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो साहिल है इसका यहाँ पे ये टोटल आया हुआ है, इंग्लिश के ये मार्क्स है, तो ये जो टोटल है ये किन का टोटल है, तो ये जो टोटल है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड का टोटल है। तो इसको देखने के लिए हम ये प्लस यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये जो है ये जो 228 टोटल आया हुआ है ये किसका टोटल है, ये 77, 66, 85, ये तीनों का टोटल जो है ये नीचे यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि मैथ्स में ये जो टोटल आया हुआ है 225 ये किसका है, ये तो ये देखो 85, 85 और 55, इनका जो टोटल है ये है 225। इसके बाद ये जो साइंस है ये जो टोटल है 187, ये किसका टोटल है, तो ये टोटल है 66, 55, 66, इनका जो साइंस का साहिल का टोटल है ये है 187। और ये जो टोटल है 640, ये तीनों का टोटल है, ये देखो 228, 206, 206, इनका जो टोटल है 640, ये यहाँ पे आया हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये भी देखना चाहते हैं राकेश का, तो हम यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखो राकेश, तो इसका जो ये टोटल है 244 ये है, ये देखो 91, 58 और 95, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये प्री बोर्ड, इनके मार्क्स जो हैं इनका टोटल जो है ये यहाँ पे नीचे आए हुए हैं। इसी तरह ये मैथ्स का टोटल है, इसी तरह ये साइंस का टोटल है, और इन तीनों का टोटल जो है 732 ये है। तो अगर हम अलग अलग का देखना चाहते हैं तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो टोटल है हमें केवल टोटल चाहिए, ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और प्री बोर्ड है, ये मार्क्स नहीं चाहिए, हमें केवल टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे, ये देखो माइनस पे क्लिक किया, तो माइनस पे क्लिक करने के बाद ये देखो साहिल के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के मार्क्स जो है वो ऊपर से हाइड हो गए। इसी तरह हम यहाँ पे राकेश के इसको भी हाइड करना चाहते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो इनके भी मार्क्स जो हैं यहाँ से हाइड हो गए। अगर हम चाहते हैं कि सभी का देखना चाहते हैं, साहिल, राकेश, रॉबिन, जितेंद्र, सुनील, मंजीत, सुरेश, इन सभी के हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो टोटल मार्क्स आए हुए हैं ये किस में से हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम ये देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो सभी के ये बता रहा है, तो ये देखो ये यहाँ पे साहिल के आगे, ये जो है ये टोटल जो है ये राकेश का है, ये देखो ये जो टोटल है ये रॉबिन का है, सभी का टोटल यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये जो टोटल है ये किस किस में से है, ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड, इसका टोटल ये है। अगर हम सभी का नहीं चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, सभी का चेक करना है तो हम सेकंड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सी शीटें हैं और हम उन शीटों का सम अलग शीट में करना चाहते हैं, तो हम कंसोलिडेट फंक्शन के जरिए इस काम को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।